हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsagarwal.com. माई सेल्फ संजीव, योर लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी. आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी. अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम में आता है, SSC, रेलवेज, खासकर RRB, NTPC में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर साल. अगर हम बात करें बेसिक की, व्हाट इज़ एनालॉजी, एनालॉजी होता क्या है. एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी और हैविंग सिमिलर फीचर्स, या आप कह सकते हैं एनालॉजी मीन्स कॉरेस्पॉन्डेंस. एनालॉजी का मतलब होता है एक समान विशेषताएं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ए और बी के बीच का रिलेशन देखना है. जो रिलेशन ए और बी का आपस में है, उसी रिलेशन के अनुसार आपको बताना है कि सी का पेयर क्या बनेगा. आपके पास 4 लेटर हैं, A, B, C, D. ए और बी में कुछ रिलेशन है आपस में. आप उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बेसिस पे आप बताएंगे कि सी का पेयर क्या बनना चाहिए. फॉर एग्जांपल, न्यू दिल्ली इज़ टू इंडिया, वेलिंगटन इज़ टू ? आपको रिलेशन देखना है न्यू दिल्ली का इंडिया के साथ, और बताना है वेलिंगटन के पेयर में क्या आएगा. तो आपको बताएं न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की, तो हमें यहाँ बताना है कैपिटल क्या होगी, वेलिंगटन किसकी कैपिटल है. तो न्यू दिल्ली कैपिटल इंडिया की है, वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड की. तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड. न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का और वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड का. ये आपका है एनालॉजी. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनालॉजी की, तो उसमें टाइप 1 आपका है वर्ड एनालॉजी, टाइप 2 लेटर एनालॉजी, टाइप 3 नंबर एनालॉजी. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप 1, जो कि है वर्ड एनालॉजी. अगर हम बात करें टाइप 1 की, वर्ड एनालॉजी, इसमें आपके टाइप्स आते हैं 10. टाइप 1 आपका है कंट्री और कैपिटल, जो हमने डिस्कस किया था पिछला क्वेश्चन, वो था कंट्री और कैपिटल के ऊपर. सेकंड आपका है कंट्री एंड करेंसीज. थर्ड इज़ योर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट. फोर्थ स्टडी टॉपिक. फिफ्थ इंडिविजुअल ग्रुप. फाइव आपका हो गया एनिमल यंग वंस. सिक्स्थ एनिमल साउंड. सेवेंथ इंडिविजुअल एंड प्लेसेस. नाइन्थ वर्कर एंड वर्किंग प्लेस. 10th आपका है वर्कर और टूल. हम हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स लेकर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. श्रीलंका, कोलंबो, ग्रीस. आपको पता है श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो. हमें बताना है ग्रीस का क्या होगा कैपिटल. ठीक है, इनमें रिलेशन है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, आपको बताना है कि ग्रीस का कैपिटल क्या होगा. देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बीजिंग, तेहरान, एथेंस, मॉस्को. ग्रीस का कैपिटल है आपका एथेंस. अगर हम बात करें बाकी तीनों ऑप्शंस की, बीजिंग, बीजिंग कैपिटल है चाइना का, तेहरान कैपिटल है ईरान का, एथेंस कैपिटल है ग्रीस का, मॉस्को कैपिटल है आपका रशिया का. ठीक, क्वेश्चन ही एक था, मगर हमने इसमें 4 कर लिए क्वेश्चन. बीजिंग का, बीजिंग है कैपिटल चाइना का, तेहरान है ईरान का, एथेंस आपका हो गया आंसर जो कि कैपिटल है ग्रीस की, मॉस्को कैपिटल है रशिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल, काठमांडू, कीनिया, ? अगेन ये भी आपका है कैपिटल और कंट्री के ऊपर. नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, हमें बताना है कीनिया का कैपिटल क्या होगा. नेपाल का एक काठमांडू, आपको बताना है कैपिटल ऑफ कीनिया क्या होगी. कैपिटल ऑफ कीनिया क्या है, नैरोबी. यानी आपका आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर 3, कीनिया की कैपिटल है नैरोबी. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, रोम कैपिटल है इटली का, लंदन कैपिटल है यूके का यानी इंग्लैंड. मैड्रिड कैपिटल है स्पेन का.
ओके, रोम कैपिटल ऑफ इटली, लंदन यूके, नैरोबी कीनिया की, जो कि आपका आंसर है, और मैड्रिड कैपिटल है स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपका आ गया कंट्री और करेंसीज के ऊपर। बांग्लादेश टका, स्वीडन, आपको पता है बांग्लादेश की करेंसी है टका, करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका, हमें बतानी है करेंसी ऑफ स्वीडन, तो स्वीडन का करेंसी होता है क्रोना, यानी आपको ऑप्शन नंबर 4 क्रोना। अगर हम बात करें बाकी सारे ऑप्शंस की, पैसो, पैसो करेंसी है अर्जेंटीना की, येन कैपिटल करेंसी है जापान की, पाउंड करेंसी है लंदन इंग्लैंड की, पाउंड इज करेंसी ऑफ इंग्लैंड यूके, ओके, इसका आंसर है कोरोना, कोरोना करेंसी है स्वीडन की। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया रुपीस यूएई, करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपीस, आपको बताना है करेंसी ऑफ यूएई, करेंसी ऑफ यूएई क्या है, डरहम, ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर 2 युआन, युआन करेंसी है चाइना की, डॉलर करेंसी है अमेरिका की, रियाल, रियाल करेंसी है ईरान की, यहाँ पे आपका आंसर है करेंसी ऑफ यूएई डरहम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका है, ये आपका है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एमीटर, करंट, हाइग्रोमीटर, आपको पता है एमीटर हम यूज़ करते हैं टू मेजर करंट, वी यूज एमीटर टू मेजर करंट, अब हमें बताना है कि हम हाइग्रोमीटर यूज़ करके क्या मेजर करते हैं, सो वी मेजर ह्यूमिडिटी यूजिंग हाइग्रोमीटर, हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी यूजिंग हाइग्रोमीटर। अगर आप बात करो बाकी ऑप्शन की, प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास बैरोमीटर, अगर आपको मेजर करना है टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास थर्मामीटर, मिल्क मेजर करने के लिए आपके पास है लैक्टोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रू गेज थिकनेस एनेमोमीटर क्वेश्चन मार्क, हम यूज करते हैं स्क्रू गेज टू मेजर थिकनेस, थिकनेस को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो स्क्रू गेज, तो हम एनेमोमीटर यूज करके क्या मेजर करते हैं, विंड, आप विंड का स्पीड और प्रेशर मेजर करते हो यूजिंग एनेमोमीटर, तो इसका आंसर आपका होगा विंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, स्पीड, स्पीड हम मेजर करते हैं यूजिंग ओडोमीटर, अर्थक्वेक आपको मेजर करना है उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, रेन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास रेन गेज, ओके, यहां पर आपका आंसर है विंड, विंड हम मेजर करते हैं यूजिंग एनेमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया, ये आपका है टॉपिक ऑफ स्टडी के ऊपर, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक्स, ऑरिथोलॉजी क्वेश्चन मार्क, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक को स्टडी करना हम उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी, और ऑरिथोलॉजी की बात करें अगर, स्टडी ऑफ बर्ड्स, कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। अब बात कर, यस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, यहां पर आपका आंसर है बर्ड, जो कि स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्लावर्स, बुके, मैन, एक सिंगल फ्लावर और कई सारे फ्लावर्स अगर मिल जाएं तो हो जाता है बुके, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके, मैन एंड ग्रुप ऑफ मैन जहां पर कई सारे मैन इकट्ठा हो वो आपका हो जाता है क्राउड, आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 जो कि है क्राउड। अगर हम बात करें ट्रूप की, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट,
इज कॉल्ड ट्रूप, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, काउ, काफ, फ्रॉग, क्वेश्चन मार्क. काउ का यंग वन इज कॉल्ड काफ, काउ का बच्चा जो होता है उसे आप कहते हैं काफ. हमें बताना है फ्रॉग का यंग वन. ऑप्शन है चाइल्ड, कैटरपिलर, टैडपोल, कब. फ्रॉग का यंग वन होता है आपका टैडपोल. तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3. काउ का यंग वन इज काफ एंड यंग वन ऑफ फ्रॉग इज टैडपोल. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, चाइल्ड, चाइल्ड इज यंग वन ऑफ मैन. कैटरपिलर, कैटरपिलर इज यंग वन ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के बच्चे को बोलती हैं कैटरपिलर. कब, कब कौन है, यंग वन ऑफ टाइगर. कब इज यंग वन ऑफ टाइगर. टाइगर का जो बच्चा होता है उसे आप कहते हैं कब. तो आपका यहां पर आंसर है टैडपोल. यंग वन ऑफ फ्रॉग इज टैडपोल. क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यहाँ पर है एनिमल और उनकी साउंड. लायन, रोर, हॉर्स, क्वेश्चन मार्क. लायन की जो साउंड होती है उसे आप कहते हैं रोर. साउंड ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड. हॉर्स की साउंड कैसी होती है, हॉर्स की साउंड होती है हिन हिनाना, उसे कहते हैं नी. ऑप्शन 1, साउंड मेड बाय हॉर्स इज नी. अगर बात करें बाकी तीनों ऑप्शंस की, क्वैक, क्वैक इज साउंड मेड बाय डक. डक की साउंड होती है क्वैक. चिर्प, चिर्प साउंड होती है बर्ड्स की, जो बर्ड्स आवाज़ करती हैं उसे हम कहते हैं चिर्प. हिस, आपको पता ही होगा, हिस इज साउंड मेड बाय स्नेक. ओके, यहाँ पर आपका आंसर हो गया नी. साउंड मेड बाय हॉर्स इज नी. क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपका है एनिमल और उनका लिविंग प्लेस. डॉग, कैनल, स्पाइडर. डॉग जहाँ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैनल. स्पाइडर कहाँ रहता है, आपको पता है स्पाइडर कहाँ रहता है, अपने वेब में. यानी इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, जो कि है वेब. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, पैलेस, पैलेस में कौन रहता है, किंग. स्टेबल, स्टेबल में कौन रहते हैं, हॉर्स. डेन, डेन में कौन रहता है, आपका लायन. तो आपको दिख रहा है हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं मगर हमारे क्वेश्चन कवर 4 हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका है पर्सन और उनका वर्किंग प्लेस. साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, ब्यूटिशियन. साइंटिस्ट कहाँ काम करते हैं, लेबोरेटरी में. हमें बताना है कि ब्यूटिशियन कहाँ काम करती है, ब्यूटिशियन कहाँ काम करती है, पार्लर में. ठीक है, ब्यूटिशियन वर्क्स इन पार्लर. यानी आपका ऑप्शन नंबर 3. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, फील्ड में कौन काम करता है, फार्मर. किचन में कौन काम करता है, शेफ. साइट पे कौन काम करता है, इंजीनियर. ठीक है, आपका आंसर है यहाँ पर ब्यूटिशियन वर्क्स इन पार्लर. लास्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर है आपका वॉरियर, स्वॉर्ड, डॉक्टर. अब देखिए वॉरियर में और स्वॉर्ड में, जो वॉरियर है उसका टूल क्या होता है, स्वॉर्ड. वॉरियर यूज़ करता है स्वॉर्ड. डॉक्टर क्या यूज़ करेगा, डॉक्टर का टूल क्या होता है, स्टेथोस्कोप. डॉक्टर यूज इज स्टेथोस्कोप. यानी ऑप्शन नंबर 2. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, नाइफ, नाइफ कौन यूज़ करता है, शेफ. नाइफ टूल है शेफ का. ऑप्शन 3, पेन, पेन कौन यूज़ करता है, ऑथर, राइटर. एनविल, एनविल कौन यूज करता है, ब्लैकस्मिथ. एनविल टूल है ब्लैकस्मिथ का. तो ये आपका था एनालॉजी का टाइप 1, जो कि था वर्ड एनालॉजी. अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ टाइप 2 और टाइप 3, जो कि है वर्ड जो कि है लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी. ओके, थैंक यू सो मच.